महीनों के नाम बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जनवरी फरवरी जो होते हैं वो अंग्रेजी महीनों के नाम होते हैं, जो कि जनवरी से स्टार्ट होते हैं और दिसंबर पर खत्म होते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे ही सेम हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं वो चैत्र से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और फाल्गुन पर आके खत्म होते हैं स्टूडेंट्स। तो जब फर्स्ट जनवरी आती है तो हम न्यू ईयर मनाते हैं, वैसे ही जब गुड़ी पड़वा आती है तब भी हम नया साल मनाते हैं स्टूडेंट्स। तो हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग पहला महीना होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद जिसे भादव भी कहा जाता है, अश्विन जिसे कुवार भी कहा जाता है, कार्तिक, मार्गशीर्ष जिसे अगहन भी कहा जाता है, पौष, माघ, फागुन।